एपिसोड नंबर 261 261। नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायास ही मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है। ढेक और महोक पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड, रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है। विशाल लता रुझानी विविध बितान दिए जनुतानी कदली ताल बर धुजा पताका देखिन मोह धीर मन जाका विविध भांति फूले तरुनाना जनुमानित बहुबाना कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग होई छाए पूजत पिक मान गज माते भेक महोख ऊंट बिसराते मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी तीतिर लावक पर चर जूथा बरनी न जाई मनोज बरूथा रथ गिरी सिला दूंदु भी झरना चात तबंदी गुनगन बरना मधुकर मुखर भेरी सहनाए विपित बयारी बसीठी आई चतुरंगिनी सेन संगलीने विचरत सब चुनौती दीने लक्ष्मण देखत काम अनीका रही धीर तिन्हके जगलीका एही के एक परम बल नारी तेही ते ऊपर सुभट सोई भारी Oh।
शक्ति अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिष महु छो काम की केवल नारी क्रोध की परुष बचन बल मुनिवर कहीं विचार तीत सचराचर स्वामी राम उमा सबंतर जामी काम हिन कै दीनता दिखाई धीरन के मन बिरती दृढ़ाई क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हो सोनट अनुकूला अनुभव अपना सत हरि भजनु जगत सब सपना पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा सधन होट जल बेगिन पाई अमर माया छन्नन देखियई जैसे निर्गुण ब्रह्म दिन सुख संजुत जाही